हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिशन सिविल इंजीनियरिंग में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इजी वे टू कैलकुलेट वेट ऑफ स्टील। और अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बगल में बेल आइकन का बटन होगा उसको जरूर प्रेस कर दें, ठीक है। तो आज का वीडियो हमारा क्या है, इजी वे टू कैलकुलेट, सबसे आसान तरीका वेट ऑफ स्टील निकालने का, ठीक है। तो चलिए आपको बताते हैं हम, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा फॉर्मेट बना हुआ है पहले से ही, ठीक है। फॉर्मेट बना हुआ है तो उसको जरा आप भी देख लें, हम तो देख ही रहे हैं। तो सीरियल नंबर लिखा हुआ है, डाया ऑफ बार लिखा हुआ है, फॉर्मूला वेट ऑफ स्टील। तो वेट ऑफ स्टील क्या चीज में होता है, यूनिट क्या है, केजी पर मीटर, ठीक है। इसको सेंटर में कर देते हैं हम लोग, इसको बोल्ड कर दिए, क्लियर है। तो डाया ऑफ बार क्या क्या होता है, तो डाया ऑफ बार हमारा क्या क्या है, 8 mm में पहले से 8, 10, 12, 16, 20, 25, 28 and 32, क्लियर है। अब आपको आसान सा फॉर्मूला बताते हैं हम, सबसे आसान, ठीक है, जो जनरली इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि वेट ऑफ स्टील निकाला कैसे जाता है, ठीक है। जो तो हमारा क्या है, d² / 162। तो इंटरव्यू में ये चीज़ पूछा जाता है कि वेट ऑफ स्टील क्या होता है 8 mm का, तो वो चीज़ आपको याद रखना है। ये फॉर्मूला बताने से फिर आप और इस चीज़ में फंसते जाओगे, पूछेंगे कि डायरेक्ट बताना है, जैसे 12 mm है, 12 mm का वेट ऑफ स्टील कितना होता है, तो ये मत, ये नहीं बोलना कि d² / 162 होता है, तो 12 mm का जो होता है 0.81 kg/m, वो चीज़ बोलना है, ठीक है। ये चीज़ हमेशा याद रखना है इंटरव्यू में। तो चलिए इसका फॉर्मूला बताते हैं हम। तो फॉर्मूला क्या हमारा, d², ठीक है। तो स्क्वायर करने के लिए हमको फॉर्मेट सेल्स में जाना पड़ेगा, सुपर स्क्रिप्ट में आना पड़ेगा, क्लियर है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, स्क्वायर दे देंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाई, देखिए स्क्वायर अभी भी सुपर स्क्रिप्ट हटाया नहीं है मैंने, तो ऊपर ही में बाई चला गया, डिवाइड हो गया, तो सुपर स्क्रिप्ट को हटाना होगा। तो वही प्रोसीजर है, फॉर्मेट सेल्स में गए, सुपर स्क्रिप्ट को हटा दिए, क्लियर है। अब डिवाइडेड बाई 162 कर दिए, ठीक है। तब इसी को कॉपी करके बाकी फॉर्मूला भी इसी में लगेगा, ठीक है। तो पहले आपको वेट ऑफ स्टील निकालना सिखा देते हैं किसी एक का। तो जैसे 8 mm है, ठीक है, सबसे पहले इक्वल टू दे दिए हम। कैलकुलेशन करना है अगर एक्सेल शीट में, तो आप बिना इक्वल टू के कोई भी कैलकुलेशन नहीं कर सकते, तो इक्वल टू बहुत ज़रूरी है। तो d² मतलब क्या होता है, d² मतलब होता है डाया ऑफ बार, ठीक है। तो इसमें डाया ऑफ बार नंबर वन में कितना है, 8, ठीक है, 8 mm का डाया बार है, और 162 से डिवाइड करना है, क्लियर है। तो 8 × 8 / 162, एंटर किए, 0.40 kg/m आ गया, ठीक है। इसी तरीके से हमको दूसरा निकालना है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, वैसे ही d² / 162। तो अब क्या करेंगे, फॉर्मूला पुट करेंगे 10 mm के लिए। तो 10 mm के लिए क्या करना है, 10 सबसे पहले इक्वल टू देना है, ठीक है, इक्वल टू दे दिए, 10 × 10, 10 का स्क्वायर करना है, फिर डिवाइडेड बाय 162, क्लियर है। इंटर करेंगे हमको वैल्यू आ जाएगा। तो ये चीज़ हमको एकदम याद ही कर लेना है, क्योंकि इंटरव्यू में पूछा ही जाता है कि 20 mm डाया का वेट ऑफ स्टील कितना होगा, 16 mm का डाया ऑफ डाया का वेट ऑफ स्टील कितना होगा। तो ये सब चीज़ आपको याद करना है, वहाँ पे जोड़ना नहीं है कि d² / 162 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, वो चीज़ आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट पे आते हैं, तो d² 12 mm का स्क्वायर इज इक्वल टू, बहुत इंपॉर्टेंट है, इज इक्वल टू दे दिए, ठीक है, 12 × 12 / 162,
इंटर प्रेस किए 0.89, ठीक है। तो हमारा 12 mm का आ गया। फिर उसी तरीके से 16 mm का निकालेंगे, 6 = 16 × 16 / 162, 1.58 कितना होता है हमारा, 1.58 होता है kg/m, इसका 16 mm का, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा आता है 20 mm का, वही प्रोसीजर है, बहुत इजी है, आपको याद करना ज़रूरी है सबका क्या क्या होता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद होना चाहिए आपको, 20 × 20 / 162, आप देख रहे होंगे तो आपको याद भी हो रहा होगा, ठीक है। तो 2.469 इतना आ गया, तो इसको कम कर दिए हम यहाँ से, ठीक है। टू डिजिट तक हम ले लिए, 2.47 हो गया, क्लियर है इसको साइड में कर दिए, ठीक है। फिर वही इसके लिए भी फॉर्मूला लगेगा, d² / 162, ठीक है। तो डाई ऑफ बार कितना है, 25 × 25 / 25 / 162, कितना है रिजल्ट, 3.85। बहुत ज़रूरी है आपको याद करना, ये पूछा ही पूछा जाता है, अगर आप फ्रेशर हैं ये चीज़ तो याद करना बनता ही है। अब 32 28 के लिए निकालते हैं, डाई बार कितना है, 28 × 28 / 162, 4.84 आएगा, ठीक है। क्लियर है। फिर हमारा 32 mm का आया, 32 mm डाया का, तो हमारा फॉर्मूला वही है, d² / 162। फिर अब निकालते हैं इसका, is equal to 32 multiplied by 32 divided by 162, इसको टू डिजिट तक कर देते हैं, डेसिमल के बाद दो डिजिट के बाद, शिट, तो अब आपको रिवाइज करा देते हैं क्या है। चलिए देखिए, तो हम क्या किए हैं, बेसिकली एक फॉर्मेट बना लिए, सीरियल वाइज लिख लिए, फिर डाया बार, फिर फॉर्मूला कौन सा पुट होगा इसमें, और वेट ऑफ स्टील हमारा निकल गया, ठीक है। तो जैसा कि आपको मैंने बताया फॉर्मूला क्या यूज़ हुआ है, d² / 162, और डाया बार हम लोग का कौन कौन सा है, 8 mm का डाया बार कहाँ यूज़ होता है, जनरली स्ट्रप मतलब जो लिंक बनाते हैं, जो कॉलम खड़ा करते हैं, स्ट्रप जो प्रोवाइड करते हैं, तो वो 8 mm डाया बार का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसी 10, 12, 16, 20, 25, 28, 32 अलग अलग यूज है सबका। स्लैब में भी 8 mm कहीं कहीं यूज़ कर लेते हैं, तो जहाँ पे लोड डिस्ट्रीब्यूशन जनरली डिज़ाइन के हिसाब से होता है जहाँ जहाँ पे, लेकिन बेसिकली हम जो 8 mm डाया को यूज़ करते हैं वो है स्ट्रप्स में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो फिर हमारा फॉर्मूला क्या पुट हुआ, d² / 162, ठीक है। तो वेट ऑफ स्टील हमारा निकल गया, 8 mm डाया के लिए हमारा वेट ऑफ स्टील कितना होगा, 0.40 kg/m, 10 mm के लिए कितना होगा, 0.62 kg/m, 12 mm के लिए 0.89 kg/m, 16 mm के लिए 1.58 kg/m, 20 mm के लिए 2.47 kg/m, और 25 mm के लिए 3.86, 28 के लिए 4.84 एंड 32 के लिए 6.32, ठीक है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रहना ही चाहिए, इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है ये चीज़। फ्रेशर्स के लिए तो यही सब चीज़ बेसिक बेसिक पूछेगा आपको, M25 का रेशियो पूछ लेगा, फिर उसके बाद वेट ऑफ स्टील अलग अलग डाया का पूछते हैं, फिर उसके दो तीन टेस्ट के बारे में पूछेंगे, जैसे कि स्लम कोन टेस्ट हो गया हमारा, VB अपर टेस्ट क्या यूज़ होता है, ये सब बेसिक बेसिक चीज़ें पूछते हैं। तो ये ज़रूर याद कर लेना आप,
बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसके बाद आपको बहुत तरीके में यूज भी होगा ये, ठीक है। तो यही था आज का हमारा टॉपिक, इजी वे टू कैलकुलेट वेट ऑफ स्टील। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।